भारत के इंश्योरेंस रेगुलेटर या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस या फिर स्वास्थ्य बीमा के नियम में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को मास्टर सर्कुलर के अनुसार कैशलेस ऑथराइजेशन उनको देनी होगी, एक घंटे के अंदर करनी होगी। पॉलिसी होल्डर्स को पहले से ज़्यादा चॉइस देनी होगी, यानी कि क्लेम सेटलमेंट अब दिनों में नहीं घंटों में होगा। और इंश्योरेंस कंपनियों को संदेश दिया है, क्लियर मैंडेट दिया गया है कि अगर इमरजेंसी हो या किसी की मौत हो तो क्लेम ट्रांसफ़र तुरंत या फिर जल्द से जल्द होना चाहिए। ये सब नए नियम 31 जुलाई तक लागू होने चाहिए, ये भी कहा गया है। तो हमारे साथ इसको पूरा डीकोड करने के लिए नीलेश साठे हैं, ये पूर्व सदस्य हैं IRDAI के। धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप रेगुलेटरी मैकेनिज्म में रहे हैं, ये जो रिलीफ है, जो राहत मिली है पॉलिसी होल्डर्स को, ये कितनी महत्वपूर्ण है और ये जो है सिस्टम में ये कब तक ये बदलाव जो है हम देख सकते हैं? काफ़ी बार हम देखते हैं कि सर्कुलर आते हैं, लेकिन सिस्टम में हम ज़मीन पर ये रियलिटी चेक जो है कब तक देख सकते हैं? बदलाव बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और IRDAI ने ये जो कदम उठाए हैं वो बीमा धारकों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। जरूरी था, क्योंकि कई बार ये देखा गया था कि क्लेम जो है वो तुरंत सेटल नहीं होते हैं। जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में कई घंटों तक रुकना पड़ता है, जब तक क्लेम सेटल नहीं होता तब तक हॉस्पिटल उसको डिस्चार्ज नहीं देती है। तो ये सारी जो दिक्कतें बीमा धारकों के लिए आती थी उसका एक मैं कहूँगा कि ये सारी निरस्त कर दी गई है ये मास्टर सर्कुलर के तहत। इसके पहले 55 सर्कुलर ऐसे थे जो कुछ ना कुछ चीज़ों में क्लैरिफाई कर रहे थे। अब ये सारे 55 सर्कुलर्स जो है वो निरस्त कर दिए गए हैं और उसकी जगह ये 55 सर्कुलर की जगह ये एक मास्टर सर्कुलर इशू किया गया है। इसमें कई बदलाव जो अभी तक नहीं थे वो आए हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें आयुष के तहत जो सारी ट्रीटमेंट्स होती है, जैसे आयुर्वेदिक की होती है, होम्योपैथिक की होती है या यूनानी की होती है, वो सब कवर की जाएगी। और कस्टमर को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि तुमको कौन सी ट्रीटमेंट, किस प्रकार की ट्रीटमेंट लेनी है। दूसरा ऐसा है कि इसमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जो प्रावधान है ना, वो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। एंड टाइम पे जब जरूरत पड़ती है तो लगता है कि अरे इसमें तो ये इंक्लूडेड नहीं है। इसलिए IRDAI ने ये कंपलसरी किया है कि जब पॉलिसी भेजोगे तो उसके साथ एक कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट, इसका मतलब बिल्कुल छोटा सा ब्यौरा कि ये पॉलिसी में क्या क्या है, क्या क्या कवर्ड है और क्या क्या कवर्ड नहीं है, इसका प्रीमियम कितना है, कब तक भरना है, ग्रेस पीरियड क्या है वगैरह, एक छोटे से कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट के तहत, ताकि जो पॉलिसी होल्डर है उसको वो देखने के बाद तुरंत पता चले कि दीज आर द थिंग्स विच आर कवर्ड और ये चीजें हैं जिसमें मुझे कवरेज नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर फ्री लुक कैंसिलेशन है, 30 दिन के अंदर आप पॉलिसी वापस कर सकते हो और जितना पैसा भरा है उतना सब वापस ले सकते हो, बशर्ते कि क्लेम ना होना चाहिए, ये तो स्वाभाविक है। तीसरी बात ये अहम है कि पहले 8-8 साल तक पुराना जो रिकॉर्ड था ना, वो इंश्योरेंस कंपनी खंगाल के देखती थी कि भाई इसको कुछ हुआ था क्या, इसने जो प्रपोजल फॉर्म में नहीं लिखा है, और फिर उस बेसिस पे अगर कुछ मिलता है तो रिपीडिएट करती थी। अब इस मास्टर सर्कुलर के मुताबिक ये 8 साल का जो पीरियड था पहले प्रिस्क्राइब किया हुआ, वो घटा के IRDAI ने 5 साल तक लाया है। यानी अगर समझो मुझे कोई बीमारी है और मैंने 5 साल तक बीमा भरा है, यानी प्रीमियम भरा है और मेरा स्वास्थ्य बीमा चालू है, तो 5 साल के बाद अगर क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 5 साल पहले कुछ अगर बीमारी होती है जो मैंने बताई नहीं है, उसके कारण मेरा क्लेम रिपीडेट नहीं कर सकती, इसका ये मतलब है। दूसरा एक बहुत अच्छा इसमें प्रावधान लाया है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, कई बार ऐसे होता है कि किसी को डायबिटीज है, किसी के हार्ट के ऑपरेशन हुई है या किडनी का कुछ प्रॉब्लम है वो हो चुका है, तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस में कई बार लोगों को लगता है कि अब मुझे बीमा नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, बीमा पहले भी मिलता था, अब भी मिलेगा, मगर उसके लिए कवरेज का वेटिंग पीरियड जो होता है वो पहले 4 साल का था, जिसे घटा के अब IRDAI ने 3 साल कर दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को डायबिटीज है और डायबिटीज के कारण अगर 3 साल बाद
उसको कोई एडमिशन की जरूरत पड़ी हॉस्पिटल में, तो उसका सारा पैसा जो है क्लेम का जो सम एश्योर्ड है उसके हिसाब से मिल जाएगा। पहले ये पीरियड 4 साल का था, ये पहली बात। दूसरा ये है कि अगर किसी को डायबिटीज है, प्री एग्जिस्टिंग है, इन्फॉर्म किया है, और 3 साल के अंदर डायबिटीज के कारण नहीं मगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई दूसरी बीमारी होती है, जैसे बीच में अपना कोविड आया था, तो इसमें इन सब एक्सपेंसेस का रिइम्बर्समेंट की प्रावधान है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। दूसरा, एक आपने कभी पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जिनको मेंटल इलनेस है उनको भी कवर करना चाहिए। अब कई इंश्योरेंस कंपनीज ये नहीं करती थी, तो ये मास्टर सर्कुलर में ये भी प्रावधान किया गया है कि हर इंश्योरेंस कंपनी को मेंटल ट्रीटमेंट हो, यानी कोई मेंटली इल हो, या फिजिकल एलिमेंट हो, यानी फिजिकल डिफॉर्मिटी अगर हो, या उसको किसी भी प्रकार की पुरानी सर्जरी हुई हो, या कि कोई भी उम्र हो, जैसे आपको मालूम होगा कि कुछ महीने पहले एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें 65 के बाद भी अब आपको बीमा आप ले सकते हो। अब ये इसमें मास्टर सर्कुलर में क्लैरिफाई कर दिया है कि उम्र कितनी भी हो, आपको बीमा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की है, वो प्रीमियम कोट करेगी। अगर आप प्रीमियम देने के लिए तैयार हो तो वो बीमा रिफ्यूज नहीं कर सकती। और एक बहुत अच्छी इसमें खबर है पॉलिसी होल्डर्स के लिए कि रिन्यूअल जो होता है आरोग्य बीमा का, यानी स्वास्थ्य बीमा का, वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज नहीं कर सकती। कहने का मतलब, अगर आपने क्लेम किया है, तो पहले ऐसे होता था कि इंश्योरेंस कंपनी कहती थी कि नहीं, अब आपने इतना बड़ा क्लेम ले लिया, अब हम आपका रिन्यू नहीं करेंगे। अब ये हो नहीं सकता, उनको रिन्यू करना ही पड़ेगा। काफी सारे, हाँ तो ये जी जी बहुत बिल्कुल, बहुत जैसे कि अच्छे आपने समझा, प्रावधान उसमें किए हैं। ये जी मास्टर बहुत ही सर्कुलर सही में महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है, और IRDA की मैं भूर-भूर प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो बीमा धारक है उनके दर्द को समझा और ये अपने मॉडिफिकेशंस किए हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने समझाया बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस हैं इस मास्टर सर्कुलर में। हमने पहले देखा है कि पेशेंट और परिवार सभी परेशान रहते थे, सिस्टम में क्लैरिटी नहीं होती थी, और जैसे कि आपने कहा समय जो है, समय और ट्रांसपेरेंसी जो है, वो सबसे ही महत्वपूर्ण चेंजेस जो हैं अब आए हैं सिस्टम में। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि सारे चेंजेस जो हैं अब क्या आए हैं। और याद रखिए, ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।